हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। और ये देखिए, मैं यहाँ क्या ली हूँ, यहाँ पालक लिया है, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। आज फिर कुछ पालक का बनने वाला है, कुछ नया, कुछ अलग और बहुत टेस्टी। तो ये छोटे वाले बेबी स्पिनिच टाइप के पालक हैं, तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है, एक बंच था और मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। अब क्या करेंगे ना कि इसको ना ऐसे ही बिना उबाले एक मिक्सी के जार में इसको डालेंगे। इसमें मैंने एक छोटा टमाटर भी डाला था, वो क्लिप मेरे से मिस हो गई है। तो इसमें पालक और टमाटर डाल के, पानी डाल के एक अच्छा सा पतला सा पेस्ट बना लेंगे। और फिर इसके बाद इसी जार में एक से दो हरी मिर्च, जितना भी आपको चाहिए, दो टमाटर और दो प्याज डाल के एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो अभी तक सस्पेंस क्रिएट है कि मैं बनाने क्या जा रही हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं छोले, वो भी एक ट्विस्ट के साथ। तो मेरा मसाला पिस गया है और यहाँ मैंने तेल ले लिया है, सरसों का तेल लिया है, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। इसमें डाली है दो तेज पत्ता और बेसिक खड़े मसाले इसमें सारे डालूँगी मैं। तेज पत्ता डाल दिया है, अब डालूँगी इसमें मैं जीरा, साथ में एक बड़ी इलायची डालूंगी, दो से तीन लौंग डालूंगी, एक छोटी जावित्री और एक स्टार अनियन। ये सारे खड़े मसाले डाल के इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो रेगुलर छोले तो हमने अक्सर बनाए हुए हैं, पर ये वाला ट्राई कीजिएगा, ये एक तो बहुत हेल्दी हो जाएगा और अभी विंटर में जितना पालक हम कंज्यूम कर सके उतना अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं, सॉरी। और मैं आज पालक वाले छोले बनाऊंगी और ये ना बहुत टेस्टी लगते हैं। और एक तो रेगुलर छोले से इसका कलर अलग हो जाता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत हेल्दी वर्जन हो जाता है छोले का हमारे। तो यहाँ खड़े मसाले जो मेरे वो हल्के से भुन गए हैं, देखिए। अब इसमें मैं अपने प्याज टमाटर वाला जो पेस्ट था वो भी डालूंगी साथ में। यहाँ मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट डाला है और जो मसाले पीसे थे प्याज टमाटर के वो डाल दिए हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे धीमे धीमे आंच पे। इसको अच्छे से, जैसे रेगुलर मसाला भूनते हैं, हमें वैसे ही भूनना है। और इसको भूनने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो इसमें मैं इसको ढक देती हूँ क्योंकि छटकता बहुत है ना, तो गैस और दीवार बहुत गंदी होती है। ये एक ट्रिक है जो कि मैंने अपनी सासू माँ से सीखी है, मसाला भूनते समय कढ़ाइया या कुकर को ढक देना चाहिए, इससे ना गंदगी बहुत कम होती है। ये सफाई ना करने की ना बहुत निंजा टेक्निक है। फिर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, इसमें हल्दी डाली है और जीरा पाउडर ज़रूर डालेंगे। एक बात बताती हूँ, पालक जब भी हम बनाएं, चाहे पालक पनीर हो, चाहे कॉर्न पालक हो, या जब भी डालें, उसमें लहसुन और ज़ीरा पाउडर दोनों का ना प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। इससे ना पालक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया था, फिर डाला है बेसिक नमक अपने और थोड़ा सा गरम मसाला। ये मेरे घर का गरम मसाला है, तो मुझे पता है ये कितना तेज़ है और कितना कम। तो आप अपने स्वादानुसार और जिस भी तरह से डालते हैं वैसे डालिएगा। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा छोले मसाला, आप किसी भी कंपनी का लीजिएगा, मेरे पास एवरेस्ट का है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ छोले मसाले थोड़े से, और इसको अब अच्छे से हमें भूनना है जब तक कि ऑयल ना छूटने लग जाए। ये देखिए काफ़ी मसाला भुन गया है। अब चूंकि मैंने तेल कम डाला था तो उतना ऑयल छूटेगा ही नहीं इसमें, इसलिए ये थोड़ा ऐसे सूखा सूखा सा लग रहा है। बट कोई बात नहीं, जब हम इसे पालक डालेंगे और छोले डालेंगे तो सब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने पालक की जो प्यूरी बनाई थी वो डाल लेती हूँ और इसमें साथ में ही छोले डाल लेंगे। ये जो छोले मैं इसमें डाल रही हूँ ये बॉयल्ड छोले नहीं है, ये रात भर भीगे हुए छोले थे, इसको बस मैंने ऐसे ही डाल दिया है। और इसको पालक के साथ 4 से 5 सीटी लगा के पकाएंगे तो एकदम अच्छे से हो जाएंगे। हमें दो प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा और ना दो बर्तन निकालना पड़ेगा, एक ही कुकर में हमारे छोले बनके तैयार हो जाएंगे। जिसमें मसाला बनाया है उसी में हमारे छोले भी उबल जाएंगे, दोनों एक साथ हो जाएगा। और ये ना बहुत अच्छा गाढ़ा होके निकलता है, दोबारा इसको पकाने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। होता है ना, जब छोले को जब खोलते हैं तो एक बार और मैश करके उसको चलाना पड़ता है और थोड़ा देर और उसको खुले गैस में भूनना पड़ता है, तो वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब छोले बन रहे हैं तो चावल भी बनेंगे, तो मैं आज खुले चावल बना रही हूँ, पसा के जिसे बोलते हैं। और इधर मेरा छोले भी तैयार हो गया है, इसकी सीटी खोलते हैं और छोले खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है, एकदम गर्म गर्म।
और वाकई इसका टेस्ट इतना बढ़िया आया था कि मेरी बेटी भी बहुत अच्छे से इसको खाई। उसको लग रहा था कोई नई चीज़ बनी है आज घर में। और ये बहुत हेल्दी है, बच्चे पालक नहीं खा रहे हैं, बच्चे गाजर नहीं खा रहे हैं, बच्चे चुकंदर नहीं खा रहे हैं। तो माँ की तो ट्रिक है ना कि उसको परिवर्तित करके किसी तरह भी खिलाएंगे ही खिलाएंगे। तो ये देखिए छोले कितना बढ़िया गाढ़ा बना है ना, ये एकदम तैयार है खाने के लिए। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, और ये एकदम बढ़िया गल गया है। दोबारा 4 सीटी में ये हो गया है। अब छोले बन रहे हैं तो पूड़ी भी बनेगी, तो 2-4 पूड़ी उतार लेते हैं गरम गरम। ये नॉर्मल आटे की पूड़ी है, कोई मैंने अलग से इसके लिए बस बेटी का मन कर गया तो 2 पूड़ी ने उतार ली। और आज का मेरा डिनर जो है बहुत स्पेशल हो गया, नॉर्मल सी घर की वाली चीज़ों से जो रेगुलर बनती है उसको एक नए ट्विस्ट के साथ। चलिए थाली लगा लेते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी कर्ड ली है, छोले लिया है अपना ग्रीन वाला, हरा भरा छोले नाम दे सकते हैं इसको, और 2 पूड़ियाँ ले ली हैं। और छोले और पूड़ी बनी हो प्याज के बिना कैसे खाएंगे, तो लच्छे वाले प्याज गोल गोल कटे हुए सिंपल। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत हेल्दी है। हाँ पूड़ी हेल्दी नहीं है, बट छोले बहुत हेल्दी हैं। आप चाहे तो इसको रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए। और आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।